हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैरिट मेंटर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शनैलिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वुमेन स्टडीज़ का। इसके बारे में हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया और कब पहली बार ये यूज़ हुआ। देखिए 1989 में, तो और किसने, किम्बरले क्रेनशॉ, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया। उन्होंने एक पेपर लिखा था इन ए पेपर एज अ वे टू एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन के ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक पेपर लिखा था, उस पर सबसे पहले ये टर्म यूज़ की गई। तो इसका मतलब क्या था, तो क्रेनशॉज टर्म इज़ नाउ एट फोर फ्रंट ऑफ नेशनल कन्वर्सेशंस अबाउट रेशियल जस्टिस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड पॉलिसिंग एंड ओवर द ईयर्स हैज़ हेल्प शेप द लीगल डिस्कशंस। शी यूज द टर्म इन द क्रूशियल पेपर फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लीगल फोरम डी मार्जनाइजिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेस एंड सेक्स, अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन डॉक्ट्राइन, फेमिनिस्ट थियोरी एंड एंटी रेसिस्ट पॉलिटिक्स। तो ये उनके पेपर का नेम है। कई बार ये भी आ जाता है कि कौन से पेपर में सबसे पहले यूज़ हुआ ये टर्म। तो इन हिज वर्क क्रेनशॉ डिस्कसेस ब्लैक फेमिनिज्म, आर्गुइंग दैट द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ब्लैक वुमेन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म इधर बीइंग ब्लैक और अ वुमेन, रेदर इट मस्ट इंक्लूड इंटरैक्शंस बिटवीन टू आइडेंटिटीज विच शी एड्स शुड फ्रीक्वेंटली रीइंफोर्स वन अनदर। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि अगर कोई ब्लैक वुमेन है, उसका ऑपरेशन आप सिर्फ उसके ब्लैक होने की वजह से या उसके वुमेन होने की वजह से नहीं कर सकते, उसका जो ऑपरेशन है वो दोनों की वजह से है, बीइंग ब्लैक एंड बीइंग वुमेन। इसीलिए तो हम उसके इंटरैक्शंस को हमें स्टडी करना है। आगे उनका क्या व्यू है, इन ऑर्डर टू शो दैट नॉन वाइट वुमेन हैव अ वास्टली डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम वाइट वुमेन ड्यू टू देयर रेस एंड और क्लास एंड दैट देयर एक्सपीरियंसेस आर नॉट इजीली क्वाइंड उनके। ठीक है, तो ये उनका जो, देखिए वुमेन का ऑपरेशन एज ए होल है ही है, वो चाहे वाइट वुमेन है चाहे नॉन वाइट वुमेन है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो नॉन वाइट वेमेन है उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टेशन है, वो वाइट वेमेन से बहुत अलग है, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो क्रेनशॉ एक्सप्लोर्स टू टाइप ऑफ मेल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप। थ्रू हर एनालिसिस ऑफ दिस टू फॉर्म्स ऑफ मेल वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, क्रेनशॉ सेज दैट एक्सपीरियंसिस ऑफ नॉन वाइट वेमेन कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, उसका रेस, क्लास और सेक्स, मतलब जेंडर का। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेसिज्म एंड सेक्सिज्म। शी सेज दैट बिकॉज नॉन वाइट वुमेन आर प्रेजेंट विद इन डिस्कोर्सेज दैट हैव बीन डिजाइंड टू एड्रेस ईदर रेस और सेक्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। तो नॉन वाइट वुमेन आर मार्जिनलाइज्ड विद इन बोथ ऑफ दिस सिस्टम्स ऑफ ऑपरेशन एज अ रिजल्ट। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि उनका जो ऑपरेशन है वो दो रीज़न की वजह से है, एक रेस की वजह से और एक उनके सेक्स की वजह से। तो अभी तक की जो थियोरीज हैं वो दोनों को इकट्ठे कवर नहीं करती, वो किसी एक बेस पे हैं, या वो रेस की बेसिस पे ऑपरेशन को डिस्कस कर रही हैं या वो सेक्स के बेसिस पे हैं, बट अभी हमें दोनों को बेस लगा लेके इसको स्टडी करना है। तो उनके जो वर्क्स हैं उन्होंने थ्री एस्पेक्ट ऑफ इंटरसेक्शनलिटी को स्टडी किया है। वन इज़ स्ट्रक्चरल इंटरसेक्शनलिटी, सेकेंड इज़ पॉलिटिकल, थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेशनल। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक है इंटरसेक्शनलिटी का, इसको आप स्टडी कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।